ये है इब्राहिम खान गार्दी। नमस्कार। फ्रांसीसी जनरल डिबूसी के माने हुए शागिर्द, नस्ल से पठान हैं और असल में हिंदुस्तानी। काश हमने सुलेनामा में एक और शर्त रखी होती। इतनी सख्त शर्तें रखे जाने के बाद अब बाकी क्या रह गया है? इब्राहिम खान गार्दी, अगर इनके तोपखाने की तरह आपके प्यादा और घुड़सवार सिपाहियों ने भी अपनी जान लड़ा दी होती तो इस जंग का नतीजा ही कुछ और होता। मराठा प्यादा और घुड़सवार सिपाहियों ने अपना लोहा सारे हिंदुस्तान से मनवा लिया है, लेकिन उनका तोपखाना अभी भी कमजोर है और इब्राहिम खान गार्दी जैसे बेनजीर कमांडर का मोहताज है। नवाब साहब, हमारी दिली तमन्ना है और आपसे विनती है कि इब्राहिम खान गार्दी को हमारा तोपखाना संभालने की इजाजत दी जाए। श्री सदाशिव राव जी, हैरत है आप पठान की फितरत से वाकिफ नहीं। वो सौदा करना नहीं जानता, जो सौदा यहां समा जाता है उसी को लेकर जीता है और उसी को लेकर मर जाता है। आप चाहे तो मुझे कैद कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने आप को हलफ की उस कैद से आजाद नहीं कर सकता जिसमें मैंने अपने आप को बांधा है। हम आपके किरदार को बड़ी इज्जत और कद्र की नजर से देखते हैं और आपके फन और कमाल को भी। हमने ना तो आपको पठान के तौर पर देखा ना मुसलमान के तौर पर, बल्कि तोपखाने के एक काबिल कमांडर के तौर पर देखा है। इसलिए आपको मराठा फौज में आने की दावत दी है। गुस्ताखी माफ हो तो अर्ज करूं, मुझे मंजूर नहीं। पठान के उसूल अपनी जान से बढ़कर होते हैं नवाब साहब। इब्राहिम खान गार्दी हमारी बात कभी नहीं मानेंगे। आपसे प्रार्थना है, आप कोशिश कर देखें। अपने इतने अजीज से पर सालार को कैसे जुदा कर दें? जरा नवाजी का शुक्रिया। नवाब साहब, हम आपको विश्वास दिलाते हैं और इस बात की जमानत भी देते हैं कि आप इब्राहिम खान गार्दी को मराठा तोपखाने का कमांडर बनने की इजाजत दे दें तो हैदराबाद और पुणे के बीच ताल्लुकात हमेशा बेहतरीन रहेंगे। हम आपसे इनकार नहीं कर सकते और इनको इजाजत तो दे सकते हैं, लेकिन मजबूर नहीं कर सकते। आपको मुझे हुक्म देने का पूरा हक है और हमेशा की तरह उस हुक्म की तामील होगी। इब्राहिम खान गार्दी, हम आपको हुक्म तो नहीं देंगे लेकिन मशवरा जरूर दे सकते हैं। आप श्री सदाशिव राव जी की तमन्ना पूरी कर दीजिए। मेरी दो शर्तें हैं श्री सदाशिव राव जी। हम उन्हें सुने बिना ही मंजूर करते हैं। जी नहीं, सुन लीजिए। पहली शर्त तो यह है कि मराठे कभी हैदराबाद पर हमला नहीं करेंगे। मंजूर है, यह हुई ना कोई मर्दाना बात। और दूसरी शर्त यह कि अगर मराठों ने हैदराबाद से जंग की तो मराठा तोपखाने की कमान मैं नहीं संभालूंगा। हमें यह भी मंजूर है। मिलाइए हाथ। आज से हम आपके और हम आपके।